गाड़ी रनिंग में है और मेरा गाड़ी का सर्विस लाइट चालू हो गया है और मेरा गाड़ी का सर्विस लाइट फिर से चालू हो गया है और मैंने अपने गाड़ी को 57,614 किलोमीटर चला लिया है और इसमें मैं अभी 123 किलोमीटर जा सकता हूं और ये पूरी तरह से हैंग हो गया है। ना इसमें इसका किलोमीटर कम हो रहा है, ना बैटरी कम हो रहा है, ना इसमें इसका स्पीड शो कर रहा है क्योंकि इसका सर्विस लाइट चालू हो गया है। और उस समय तो मैंने BMS का फ्यूज निकाला था, यहाँ से इसका BMS का फ्यूज निकाला था 4 नंबर का, तो वो तो उस समय ये ठीक हो गया। तो इसको फिर से मैं निकाल के देखता हूँ ये ठीक होता है या नहीं, क्योंकि मैं अभी घर से 10 किलोमीटर के पास आ गया हूँ और अभी इसमें कुछ भी सो कम नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मैं BMS का फ्यूज निकाल के देखता हूँ अगर ये सर्विस लाइट बंद होता है कि नहीं, फिर उसके बाद बात करता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी रनिंग में हूँ, देख लीजिए मेरा गाड़ी रनिंग में है और मेरा गाड़ी का सर्विस लाइट चालू हो गया है। तो फिलहाल मैं इसको बना के देखता हूँ दोस्तों BMS का फ्यूज निकाल के, ये ठीक होता है या नहीं होता है। हमारा फ्यूज बॉक्स, इसमें से ऊपर से 4th नंबर का फ्यूज निकाल के देखता हूँ दोस्तों, ये वाला शायद इसको निकाल, उस समय ऐसे ही ये फिर से चालू हुआ था तो इसको निकाला था तब ये ठीक हो गया था। तो इसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये बहुत हार्ड रहता है, उसके बाद मैं इसको फिर से निकाल के दिखाता हूँ। फिलहाल मैं इसको निकाल, तो मैंने BMS का फ्यूज निकाला, उसके बाद फिर से लगाया तो अपना सर्विस लाइट बंद हो गया और मेरा डिस्प्ले में सभी कुछ अच्छा से वर्क कर रहा है। देख लीजिए इसमें स्पीड भी शो कर रहा है और इसमें किलोमीटर भी ऐड हो रहा है और इसका बैटरी भी कम हो रहा है और मैं अभी रनिंग में हूँ, देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज सुबह सुबह ही मेरे ट्रियो का सर्विस लाइट फिर से चालू हो गया था और जिससे मेरे ट्रियो का डिस्प्ले पूरी तरह से हैंग हो गया था। इसमें यानी कि मेरा रनिंग गाड़ी में ही मेरा सर्विस लाइट चालू हो गया था मेरे गाड़ी का और उस समय ये पूरी तरह से हैंग हो गया था। ना इसमें इसका बैटरी परसेंट कम हो रहा था, ना इसमें किलोमीटर ऐड हो रहा था, ना इसमें स्पीड शो कर रहा था और ये रनिंग गाड़ी में था तो ये बन गया दोस्तों। और उसके बाद मैंने इसका ये फ्यूज बॉक्स निकाला, ये वाला मैंने फ्यूज बॉक्स फिर से निकाला और उसके बाद ये 4 नंबर का जो आप देख रहे हैं ना BMS, उसका फ्यूज को मैंने फिर से लगाया, उसके बाद अपने गाड़ी को चालू किया तब ये सर्विस लाइट गायब हो गया। और जो इसमें बैटरी परसेंट, अभी भी मेरा इसमें 4 से 10% ज़्यादा बैटरी शो कर रहा है और इसमें किलोमीटर भी इसमें कम शो कर रहा है। तो ये सर्विस लाइट तो मेरा रनिंग गाड़ी में चालू हो गया तो उसको तो मैंने BMS का फ्यूज निकाला तो वो फिर से बन गया। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आपके गाड़ी में भी सर्विस लाइट अगर रनिंग है और आपका गाड़ी में सर्विस लाइट जलता है तो उसके लिए आपको BMS का फ्यूज को निकालना है और उसके बाद आपको फिर से लगा देना है जिससे आपका गाड़ी का सर्विस लाइट गायब हो जाएगा। तो ये मेरा सेकंड टाइम है दोस्तों, ये मेरा दूसरा टाइम है जब ये रनिंग गाड़ी में मेरा सर्विस लाइट फिर से चालू हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।